ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे को, जो आपको सकारात्मक चिंतन से हम कैसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आज जीवन में चाहते तो सभी है सफलता, लेकिन सफलता का आधार क्या है? सफलता का आधार क्या है? सकारात्मक सोच। भौतिकता के समय में आप देखते जा रहे हैं कि हमारे यहाँ जो सकारात्मक या पॉजिटिव जो थिंकिंग है वो घटती ही जा रही है, इतना व्यर्थ और नेगेटिव बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है वो धीरे धीरे घटती ही जा रही है। तो वक्त की पुकार कहें, समय की पुकार कहें, आज का समय ही है अगर हम अपने जीवन में हर कदम में सफलता चाहते हैं तो हमें मेडिटेशन सीखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि मानव जीवन एक बहुत सुंदर जीवन है, इसके लिए कहते हैं बड़े भाग्य मानुष है, ये मनुष्य का जीवन बड़े ही भाग्य से मिलता है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा परेशान, टेंशन किसका जीवन है? सभी योनियों में श्रेष्ठ, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान मनुष्य का जीवन है। इसीलिए कहा है मनुष्य जन्मता है तो रोते हुए जन्मता है और जीता है तो शिकायत करते हुए ही जीता है। जानवर का बच्चा कभी नहीं होता, लेकिन मनुष्य का बच्चा जन्मते ही क्या करता है? और जीता है तो क्या करता है? शिकायत करते हुए ही जीता है। आज का कोई भी मनुष्य नहीं है या आप सभी में कोई ऐसा है जिसको किसी से शिकायत ना हो? अगर कोई है तो वो हाथ खड़ा करेंगे। कोई ऐसा है जिसको कोई किसी से शिकायत ना हो? कोई भी नहीं, बहुत अच्छी बात है। और तुम मरते हैं पूछेंगे आप भाई साहब को बहुत अच्छी भाई साहब ने हाथ खड़ा किया है, तो हम उसका राज आपके सामने भी भाई साहब को लाएंगे कि कैसे शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हर एक का जीवन आज शिकायत वाला नहीं है, अपने से ही शिकायत, क्योंकि हम सोचते बहुत कुछ है लेकिन नहीं है। और मरते हैं तो पश्चाताप करते हुए ही मरते हैं। तो अगर हमारा जीवन सकारात्मक हो जाएगा, जीवन में अगर